अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। दोस्तों अभी जो ना रात रात का टाइम हो रहा है बिल्कुल, और अभी भी जो ना हम लोग छत पर हैं। क्या कर रहे हैं मैं ना आप दोस्तों को दिखाता हूँ। कबूतर जो है ना, पहले मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ सारे जो है ना हमारे, चेक करें कबूतर यहाँ पर हैं। इस साइड में ना सारे कबूतर बन गए हैं, और फौजी को हमने बन गया हुआ अपने तोतों के साथ वहाँ पर ना। तो यहाँ पर जो है ना चेक करें सारे के सारे कबूतर बन गए। तो फैसल उस्ताद मैं आपको दिखाता हूँ, फैसल उस्ताद भी छत में ही, ये चेक करें। अभी जो है ना जाल पूरा का पूरा उतारने लगे हैं सारा जो है ना, इसको सेटिंग करके दोबारा से लगाएंगे। तो सारी कीले वगैरह तो हम लोगों ने निकाल लिए हैं, पट्टे वट्टे यहाँ के सेट करने हैं अभी, यानी पट्टे वट्टे बाद में देखेंगे, जो सही हाँ जो सही होंगे वो लगे रहने देंगे, जो सही नहीं होंगे उनको देखेंगे सेट करेंगे। बाकी यहाँ पे तो ना हम लोग लंबी लंबी पट्टियाँ लगाएंगे सारी, यहाँ पे अभी चेक करें कुछ भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पे इस तरह के पट्टे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सारी लंबी लंबी पट्टियाँ लगाएंगे। तो कीले सारी निकाल ली जाल की, तकरीबन आखिरी रह गई होगी मेरे ख्याल में ना, आखिरी कील रह गई है। तो इसको भी जो है ना निकालते हैं, फिर पूरा जो है ना जाल हमारा बाहर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है ना खस्ता हालत में चला गया था ये, तो अब जो है ना इसको हम लोग सेट करने लगे। जाली वगैरह तो अभी तक लेकर नहीं है, लेकिन कलर हम लोग जो है ना लेकर आ चुके हैं। कौन सा कलर करेंगे वैसे बताओ? जाल को इस बार हरा कलर लगाएंगे, हरा कलर लगाएंगे, कलर मार के इस बार जो है ना जाल वापसी से लगाएंगे। जाली वाली सेट करेंगे फिलहाल इसकी। देखें यहाँ से भी टूटी हुई, ऊपर से भी सारी जो है ना टूट गई थी। तो हमने कहा चलो अब थोड़ा खर्चा कर ही लेते हैं। बाकी ये चेक करें, एक पतंग आ गए ना यहाँ पे अटकी हुई, चलो अभी ये पतंग भी निकालेंगे, फिर कल यही उड़ाएंगे। ठीक है, कल ही वाली पतंग उड़ाएंगे। फिलहाल अभी एक कील रह गई, ये भी निकल गई है। तब पूरा जाल जो है ना हमारा उतरने वाला है फाइनली। तो चेक करें फैसल सुपरा मैन उस्ताद जो है ना अकेले में जाल उठा रहे हैं। उठा लो लेकर आओ इधर, बुक उठा रहे हो? चलो हाँ बांध दो पहले बल्ले। ये वाली लकड़ी थोड़ा ध्यान से पकड़ना, ये जो है ना मतलब निकल नहीं जाए, हाँ क्योंकि इसकी सारी कीलें निकल गई हैं। जाल तो हमारा पूरा जो है ना बाहर आने को तैयार है। लाइट भी जो है हम लोगों ने जाल में लगाई हुई थी, जाल से निकाल ली। तो अब जो है ना जाल उठाते हैं और इसको यहाँ पर ला कर रखते हैं कहीं ना कहीं, फिर इसकी मरम्मत कर दें। ये पतंग की चोड़ी मारी कर ली हम लोगों ने, चेक करें। तो चेक करें पूरा का पूरा जो है ना जाल उतार लिए, और अभी नीचे आके बहुत बड़ा लग रहा है यार, पूरा एक पिंजरा लग रहा है भारी सा। लेकिन वजन इसका इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर लगा हुआ तो इतना छोटा सा लगता है, सा लगता है जैसे पता नहीं छोटा सा पिंजरा खड़ा किया हो। अभी चेक करें काफी जो है ना माशाल्लाह से बड़ा लग रहा है। अभी अंदर जाओ तुम्हारे जैसे दो तीन बंदे पूरे अंदर आ जाएंगे, काफी बड़ा है यार। लेकिन इतना हाइट नहीं है कि हम खड़े हो जाए अंदर आराम से, हाँ हाइट नहीं है, लेकिन यूं में और यूं में सही अच्छा है। पहले हम लोगों ने सही बनाया था यार, अच्छा बनाया था, हाँ लगता बहुत छोटा सा है। चलो अब इसको साइड में लगाओ और वहाँ पे शटरे वटरे लगाते हैं, हाँ ताकि क्योंकि कबूतर वगैरह वापसी उधर कर दें हम लोग, जल्दी से लगाते हैं अभी शटरे। अभी जो है ना जाल तो हमारा यहाँ पड़ा है फिलहाल, अभी जो है ना वहाँ शटर लगाने लगे हम लोग। चेक करें शटर मेटर लग गए अपने सारे सेटिंग पे। तो ये जो है ना सेटअप हुआ करता था हमारा पहले, तो अभी बस जल्दी से कबूतर वापसी से इस साइड में कर दो, कीले वीले भी पड़ी हैं, थोड़ी सफाई कर देंगे रात में आके, चलो इधर कर देंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सारे जमीन पे ही बैठे हुए। फिलहाल बन रहे हैं, दो घंटे की बात है, मैं आ जाऊंगा। सही है सही है। अभी जो है ना फैसल साहब का टाइम हो गया था वापसी घर आने का, तो फैसल साहब ने ना मुझे बुलाया और कहा दाना जो है ना हमारा खत्म हो गया, जल्दी से आओ दाने की ना बोरी उठाते हुए चलते। अभी जो ना बोरी लेके आ रहे हैं, शौक का जो सबसे मुश्किल काम होता है ना वो यही होता है चढ़ाने की बोरियां ऊपर चढ़ाना, बड़ा मुश्किल, इतना इतना वजन ऊपर चढ़ाना पड़ता है ना। अभी ना इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, बड़ी मुश्किल वाला काम है। अभी हमारी चढ़ानी है तो सिर्फ बाजरा है, बाहर वाले कबूतरों के लिए इस बार बाजरा ही ले रहे। मिक्स दाना तो बहुत महंगा पड़ रहा था, सारी मिक्स दाना खा रहे थे अभी तक, तो अब सिर्फ बाहर वाले बाजरा खाएंगे और ब्रीडिंग वाले मिक्स दाना खाएंगे। जल्दी से अभी चढ़ाते हैं भाई, कैमरा वैमरा तो बंद करो, ऐसे नहीं चलेगा। चलो अभी चलते हैं इसके ऊपर। तो चेक करें बीच मंजिल में मेरा यार मुझे छोड़ के चला गया, बेचारे को घर वालों ने आटा लेने के लिए भेज दिया, अभी दोबारा से गया 5 किलो आटा उठा के वापसी जाएगा, फिर वापसी मेरे साथ आगे बोरी चढ़वाएगा। तो 3 स्टेप तो मैंने अकेले में चढ़ा दिए, सिर्फ 2 स्टेप रह गए। चेक करें यहाँ पड़ी है बोरी, और ये एक सीढ़ी और एक ये दूसरी सीढ़ी। ये फैसल उस्ताद को बोलूँगा अब तुम चढ़ाओ, किस्सा जो बराबर हो जाएगा। फैसल उस्ताद भी जो ना आने ही लगे मेरे ख्याल में, देखते हैं फिर उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। आ गए चेक करें। चलो भाई अपने हिस्से की अब तुम चढ़ा लो, अपने हिस्से की अब तुम चढ़ा लो, ड्रिंक लेके आए हो, ड्रिंक तुम पी लो, मेहरबानी करो अभी बाकी का हिस्सा तुम चढ़ा लो। तुमने कैसे चढ़ाया, तुम तो मजदूर बन गए। चलो तुम भी मजदूर बन जाओ, तीन चढ़ाई है भाई जान, क्या हो गया, अब 2 तुम चढ़ा लो। चलो मैं कोशिश करता, बोरी नहीं फाड़ देना, सारा दाना यही कल्टी हो जाएगा। चलो चढ़ाओ, बस जैसे तुम्हारा दिल करे तुम ले आओ इसको उठा के।
मैंने तो चढ़ाई है ना भाई, अब तुम भी चढ़ाओ। चेक करें बेटर साथ, कोशिश कर रहे हैं लाने की। अबे नीचे थोड़ी लेके जानी है, तुम तो नीचे लेके जा रहे हो। अबे लुढ़क नहीं जाना भाई। मैं बस जैसे भी लेकर आया, तुम लेकर आओ, अपना हिस्से का काम पूरा करो जल्दी। चेक करें बेटर साथ कैसे चढ़ा रहे। कल तक आ जाएगी ऊपर मेरे ख्याल में। कंटी मार दी। ले आओ यार, क्या हो गया। चलो आता हूँ। तो फाइनली बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद जो है ना ये ऊपर चढ़ गई है हमसे। तो चेक करें फाइनली पूरे जाल से जो है ना जाली उतार दी, और 12 बजे का अभी हम लोग को जाली उतारते उतारते सारी जाली जो है ना ये पड़ी हुई। चेक करें बुक भी हम लोगों ने निकाल दी, बुक भी दोबारा से नए कब्जे लगा के जो है ना लगाएंगे। तो बुक के बीच में इस बार डंडे भी लगा देंगे। पहले जो है ना इसके बीच में डंडे नहीं थे, सिर्फ जाली थी। कबूतर जो है ना छलांग मार के इस साइड से उस साइड भाग जाता है। इस बार भागने नहीं देंगे कोई भी कबूतर जाल से, पहले तो बहुत भाग गए ना, इस बार भागने नहीं देंगे जाल से। बीच में डंडे लगाएंगे इसके ताकि कबूतर बुक पे आए आराम से। तो अभी फैसल साहब जो है ना सफाई सफाई कर रहे हैं जाल की, थोड़ा ब्रश व्रुश लगा रहे हैं, फिर जो है ना इसको प्राइमर वगैरह अभी मार रहे हैं। फैसल साहब कह रहे हैं एक कोट जो है ना अभी मार देते हैं, सुबह तक वो सूख जाएगा, फिर दूसरा कोट मारेंगे, बाकी फिर कलर जो है ना इसको बाद में मारेंगे। चेक करें पूरा का पूरा जाल जो है ना सफ़ेद हो गया हमारा, हाथ वात सब गंदे हो गए, लेकिन जाल को जो है ना हमने ऐसे नहीं छोड़ा। हमने कहा एक कोट तो आज करके जाएंगे। रात के 2:30 बज गए और अभी भी लगे में जो थोड़ा बहुत रह गया ना उसको करने में, पूरा करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ इसको आधा छोड़ देंगे तो फायदा। हाँ अभी क्योंकि थोड़ा सा ही रह गया है तो फिर अभी पूरा होने वाला है, बाकी अगला कोट फिर इस पे वाइट प्राइमर कल करेंगे। तो चेक करें अभी जो ना बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है और फैसल साहब ना पहले से ही आए हुए और जो ना बुक पे कलर मार रहे हैं, कलर नहीं प्राइमर, जो वाइट वाइट जो भी कलर है ये क्या है, प्राइमर बोलते हैं ना इसको, प्राइमर मार रहे हैं बुक। क्योंकि ना कल रात में रह गई थी सारा, जितना हम लोगों ने बनाया था ना सारा झाल पे लग गया था। तो अभी जो ना सुबह सुबह में आ गए, इसको पहला कोट मार रहे हैं अभी। तो ये जो ना बड़ी अजीब सा लग रहा है पहले कोट में भी, लेकिन दूसरा इसको 3 कोट करने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। काली वाली लकड़ी है ना ये अजीब सी लकड़ी है, बाकी ये वाली तो पहले कोट में ही माशाल्लाह। तो चेक करें कितनी प्यारी लग रही है, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ। पूरा वाइट ऐसे दिल कर रहा है वाइट ही छोड़ दें इसको। हाँ इतना प्यारा लग रहा है वाइट, लेकिन गंदा मेला हो जाएगा बहुत ज़्यादा। हाँ महीने बाद काला हो जाएगा फिर से पूरा, दूसरा कोट कर भी देंगे तो। तो अभी जो है ना इस पर दूसरा कोट करना है पूरे पे, फिर देखेंगे अगर तीसरे कोट की जरूरत हुई तो। 2 कोट काफी होंगे मेरे ख्याल में ना, जाल में तो काफी होंगे, फिर कलर इस पे फेरेंगे सारे में, फिर जाली वाली भी ठोकनी पड़ेगी। बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया यार ये तो इस बारी, वरना हमारा जिस दिन उतारते थे उसी दिन वापसी भी लगा देते होते थे, लेकिन इस बार जो ना कलर वाला काम आ गया ना तो बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया। वरना हमने ये कल रात में पूरा वापसी लगा भी देना था, पूरा फिक्स करके ना जाली वाली ठोक ठाक के, लेकिन इस बार कलर की वजह से ना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। चेक करें कलर, मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ साइड से यहाँ से कैसा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो सुबह को तो टाइम हो गया, थोड़ा बहुत जो मिक्स दाना बचा हुआ था ना वो चल के अपने ब्रीडिंग वालों को ही डालते हैं, बाकी तो हमारा बाजरा आ गया था। तो अभी जो है ना बाहर वालों को फिलहाल बाजरा ही देंगे, तो दाना तो वैसे भी खत्म हुआ है, मिक्स दाना भी आज ही लेकर आना है क्योंकि ब्रीडिंग वाले फिर हमारे नखरे करते हैं बाजरा खाने में। तो जल्दी से जो ना मैं इनको दाना डाल देता हूँ, बस बाहर ना निकल जाए कोई, बाहर ना निकल जाए कोई। देखिए मैं गेट खुला छोड़ा हुआ था, बस आ गए सारे के सारे खा रहे हैं, अभी खाने देते हैं इनको। चेक करें दूसरा कोट भी जो ना फाइनली मैंने इसे मार दिया, और एक कबूतर जो ना मैंने अभी बाहर निकाला है चेक करने के लिए क्या रिस्पांस देता है। कौन सा कबूतर निकाला, अपना कलदमा कबूतर, ये चेक करें उड़ गया, घबरा गया ना कि हमारा जाला किधर चला गया, गायब हो गया। छत की हालत देख के ना थोड़ा थोड़ा घबरा गया, किधर गया, वो जो कह रहे हैं वो जा रहा। तो इसी का ही जो ना बेटा निकालने लगा हूँ पाकिस्तान, वो भी हमारा काफ़ी पुराना कबूतर है। जाल से पहले यही सेटिंग थी ना, तब ये दोनों कबूतर हमारे हुआ करते थे यहीं पे, तो उसको भी निकालते हैं, देखते हैं उसका क्या रिस्पांस होता है। चेक करें ये आ गया पाकिस्तान हमारा, तो इसको भी छोड़ता हूँ। ये देखें जाल पे जाने का सोच रहा था लेकिन वहाँ पे तो जाला ही नहीं लगा हुआ, और ये डंडे में ही बैठ गया। अभी ये भी उड़ जाएगा घबरा के, ये क्या सीन हो गया। अभी तो देख रहे देखे तफ्तीश कर रहे इधर उधर गर्दन फिरा के ना, देख रहा है भाई ये क्या सीन चल रहा है हमारी छत में। वो कलदमा तो उड़ रहा है अभी भी, ये देखें ये घूम रहा है। ये वैसे भी छतरी में उतरता है, आगे सीधा छतरी में ही उतरेगा मेरे ख्याल में। जाल पे बहुत कम लैंडिंग देता है हमारा पाकिस्तान है, जो जाल में लैंडिंग देता था। एक और भी कबूतर है लेकिन वो जो ना अभी बहुत उड़ने लग जाएगा, फिर उसको अभी नहीं निकालते। वो भी पुराना कबूतर है हमारा, गुलाटी कबूतर, तो उसको नहीं निकालते वरना वो ऊपर चला जाएगा बाजों वाला, वैसे ही मौसम है सनी पकड़ में ही आ जाए फिर उसकी। बाकी का तो और कोई परिंदा नहीं खुला हुआ हमारे, ना मुर्गे खुले हुए ना कबूतर खुले हुए, सिर्फ फौजी जो है ना हमारा खुद ही तो खुल गया था। रात में इसको यहाँ बन गया था ना, तो सुबह सुबह बाहर निकल के अजाने देता। और ये देखें पाकिस्तान भी गया सीधा ठाबों पर अपने अब्बू के साथ ही,
दोनों बाप बेटा उड़ रहे हैं। जाल देखें पूरा का पूरा जो है ना हो गया व्हाइट, डबल कोट हो गया ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब तो फैसल साहब नहीं है, अभी फैसल साहब भी आने ही वाले होंगे, फिर जो है ना इसका देखेंगे कि कलर वलर का क्या सीन है, कलर वलर करना है पहले या जाली पहले लगानी है, पहले मेरे ख्याल में कलर ही करेंगे इसको। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है दोस्तों को वीडियो पसंद आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेगा आपसे इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में। लव फेस।